गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आराधना। फ्रेंड्स आज का जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कुर्ती हॉल का है और ये सारी ही कुर्ती मैंने अमेजोन से परचेज की और सारी की सारी कुर्ती फेस्टिव वेयर है और इस बार के कलेक्शन में मैंने बहुत सारी डिफरेंट कुर्तीज ऐड की है, कुर्ती विद जैकेट, अनारकली कुर्ती और कुर्ती विद स्कार्फ जो अलग तरह के इंडो वेस्टर्न स्टाइल की है। सो वन बाय वन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी स्टाइलिश कुर्ती ली है। बट स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आज आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को अफोर्डेबल रिव्यूज़ देखना पसंद है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ बेल आइकन पे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहली वाली कुर्ती जो है वो है ये वाली और ये नेवी ब्लू कलर की कुर्ती है और क्रेप का मटेरियल है, क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड की है और ये देखिए नेक लाइन पे हमें इस तरह का ये राउंड यू कट का पैटर्न मिल रहा है, ये हमें नेक लाइन पे मिल रहा है और पूरी कुर्ती का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले में। और ये जो पिंक वाला जो पार्ट है ये हमें नेक लाइन पे मिल रहा है, काफ़ी अच्छा ब्रॉड पैच बॉर्डर दिया हुआ है जिसपे हमें ये गोटा पट्टी का भी वर्क हमें मिल रहा है लाइक दिस, ये देखिए, और ये पूरे नेक पे कवर कर रहा है। और जो पिंक वाला मटेरियल है वो भी क्रेप का मटेरियल है, उसमें हमें देखिए ये गोल्डन कलर की फॉइल प्रिंट का डिज़ाइन दिया हुआ है, फॉइल प्रिंट किया हुआ है जिसमें ये स्क्वायर शेप में पैटर्न बना हुआ है लाइक दिस। और कुर्ती का जो फिटिंग है बहुत ही अच्छा आ रहा है, बॉडी में बहुत ही अच्छे से फॉल कर रहा है और इसमें जो हमें हैंड स्लीव्स मिल रही है इस तरह की 3/4 हैंड स्लीव्स मिल रही है, हैंड स्लीव्स में अगेन हमें इस तरह का देखिए ये फ्रिल पैटर्न बना हुआ मिल रहा है पिंक कलर का जो कि हमारे नेक लाइन पे बना हुआ है और इस पर भी हमें सेम वही प्रिंट मिल रही है बॉक्स फॉर्म में। कुर्ती का ओवरऑल जो लुक्स है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और इसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, मीन्स ये पूरे बॉडी पे इतने अच्छे से फॉल कर रहा है कि आपका फिगर पहनने के बाद में बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। नेक्स्ट जो मैंने कुर्ती ली है फ्रेंड्स वो है ये वाली और ये ऑफ वाइट और पिंक के कॉम्बिनेशन में है, ये देखिए ये कुछ कुर्ती की जैकेट के पैटर्न में है, जैकेट इसमें जो हमें रिसीव हो रहा है वो इसमें स्टिच्ड है, वो अटैच है और ये पूरा हाई नेक कवर पैटर्न में है लाइक दिस। और इसका जो मटेरियल है ये कॉटन सिल्क का मटेरियल, अगेन क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, समर्स में भी पहनने के लिए बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है और ये पार्टी वेयर काइंड ऑफ कुर्ती है लाइक दिस, ये देखिए फ्रेंड्स इसका ओवरऑल लुक्स बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये फ्रॉम द ब्रांड है आई बाय इंडिगो और इसमें जो मेरा साइज है वो है साइज स्मॉल और ये देखिए अंदर का जो हमें पिंक वाला मटेरियल मिलता है वो बोट नेक पैटर्न में है, ऊपर से जो हमें ये ऑफ वाइट कलर का मटेरियल मिल रहा है वो हमें चाइनीज नेक पैटर्न में पूरा हाई नेक मिल रहा है, प्लस उसमें हमें एक बटन अटैच मिल रही है जो कि इस कुर्ती को काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लुक देता है। और ये जो ऊपर का मटेरियल है ये भी कॉटन सिल्क का है, इसमें हमें कुछ फॉइल प्रिंट मिल रहे हैं इस तरह के, ये देखिए पेस्ली पैटर्न में जिसपे पिंक डॉट और गोल्डन का प्रिंट किया हुआ है और ये हैंड स्लीव 3/4 हैंड स्लीव्स हमें मिल रही है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक्स है इसका। और किसी भी वेडिंग फंक्शन में पहनने के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वेडिंग फंक्शन, इंगेजमेंट सेरेमनी या अपकमिंग फेस्टिवल रक्षाबंधन, हम किसी भी फेस्टिवल पे इसको पहन सकते हैं। मैंने जो कुर्ती ली है फ्रेंड्स वो है ये वाली और ये मेहंदी ग्रीन कलर की कुर्ती है, पूरी कुर्ती पे हमें बहुत ही प्यारा फॉइल प्रिंट मिल रहा है, फॉइल प्रिंट पैटर्न में है, ये देखिए पूरी कुर्ती भरी हुई है टॉप टू बॉटम फॉइल प्रिंट के वर्क से और काफ़ी अच्छा फ्लोरल प्रिंट हमें मिल रहा है इसमें गोल्डन और रेड कलर का, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। ये भी हमें हाई नेक पैटर्न में कवर मिल रही है इस तरह से और नेक पे हमें इस तरह का सीक्वेंस वर्क मिल रहा है लाइक दिस, ये देखिए आप लोग सीक्वेंस की शाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है, प्लस यहाँ पे हमें ये बटन फॉर्म में मिल रही है, इस बटन को लाइक जैसे हम बटन बंद करते हैं उस तरह से है ये, ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ और ये बटन जो हमें मिल रही है ये गोल्डन कलर की बटन है, ये देखिए लाइक दिस, इस बटन को ओपन करके हमें वेयर करना होगा इस तरह से है ये और आप लोग देख सकते हैं इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अगेन इसका जो मटेरियल ये भी कॉटन सिल्क का मटेरियल है, पहनने पे अगेन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और ये भी फ्रॉम द ब्रांड है ऑरेलिया और इसमें जो मेरा साइज़ है वो है साइज स्मॉल, इसमें जो हमें हैंड स्लीव्स रिसीव हो रही है इस तरह की 3/4 हैंड स्लीव्स रिसीव हो रही है और इसका जो मेन कलर है वो है मेहंदी ग्रीन कलर, बट कैमरे में आई डोंट नो ये थोड़ा सा येलोइश नज़र आ रहा है बट एक्चुअल कलर इसका मेहंदी ग्रीन है, ये देखिए। इस कुर्ती को चाहे हम स्कर्ट के साथ पहने, प्लाजो पैंट के साथ पहने, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा या सिगरेट पैंट के साथ में पहने। नेक्स्ट मैंने ये वाली कुर्ती ली है फ्रेंड्स और ये येलो कलर की है, क्रेप का मटेरियल है और ये बिल्कुल ही डिफरेंट कुर्ती है, ऐसा मैंने आज तक कभी कुछ भी अपने लिए नहीं लिया था, ये देखिए ये पूरा राउंड नेक पैटर्न में है और इसका पैटर्न ही कुछ एकदम बिल्कुल अलग है इस तरह से, ये देखिए ये जैसे कि वी कट शेप में आती है लाइक दिस, इस तरह से इसमें हमें कट मिल रहा है, आप लोग देख सकते हैं
ये अपसाइड डाउन है, इधर से हमें लेफ्ट साइड से ये अप है और राइट साइड से ये डाउन है, और डाउन इतनी ज़्यादा ही है कुछ। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा फ्लोई मटेरियल है इसका, मेरा तो ये पूरा फ्लोर लेंथ झाड़ू लगा रही थी। आई डोंट नो कि इसको मैं बाहर कैसे पहन के जाऊँगी, बट ये पहनने के बाद बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। और इसमें हमें साइड में इस तरह का ये देखिए टैसल मिल रहा है, और ये पॉम्पॉम भी लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। प्लस यहाँ पे ये बटन की डिटेलिंग भी मिल रही है, और इस कुर्ती पे भी हमें इस तरह से ये देखिए वुडन बटन की डिटेलिंग मिल रही है। साथ में जो हमें स्कार्फ रिसीव हो रहा है वो कुछ इस तरह का है, मरून येलोइश कलर में, और इसका भी जो मटेरियल है वो क्रेप का मटेरियल है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, स्मूथ है। और इसमें भी हमें देखिए इसके एंड्स पे पॉम्पॉम लगे हुए, टैसल्स लगे हुए हैं। बट नॉट लीस्ट, मैंने ये वाली अनारकली कुर्ती ली थी फ्रेंड्स, और इसका जो मटेरियल है ये पूरा प्योर कॉटन का मटेरियल है, और ये लेवेंडर कलर में है, और इसके ऊपर हमें पूरा प्रिंट मिल रहा है, फ्लोरल प्रिंट। आप लोग देख सकते हैं कि इस पे रोजेस के प्रिंट हमें मिल रहे हैं, काफ़ी अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक लाइन पे हमें इस तरह का देखिए इसमें बटन्स मिल रहे हैं, और सेम यही बटन्स हमें हैंड स्लिप्स पे भी मिल रही हैं लाइक दिस, ये देखिए। और हमें इसे बंद करना होगा, जैसे मैंने तो यहाँ पे जल्दबाजी में ट्राई ऑन के लिए बंद नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे वैसे भी अभी निकालना ही है इसे। तो इस तरह से हमें ये हैंड स्लिप्स पे भी बटन मिल रहा है, नेक लाइन पे भी बटन मिल रहा है, और इसका जो पहनने के बाद इसका जो फॉल है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है। प्लस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें चेस्ट एरिया पे छोटे छोटे ये इस तरह के कुछ समथिंग कुछ मिरर वर्क मिल रहा है एम्ब्रॉयडरी के साथ में, आप लोग देख सकते हैं। और ये एक्चुअल मिरर है, ऐसा नहीं है कि कोई फॉइल प्रिंट फॉइल लगा हुआ है, वैसा नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है, ये ओरिजिनल मिरर मिला है इसमें। और ये कुछ कुछ जगह पे इस तरह से स्टिच किया हुआ है, और ये सिर्फ हमारे चेस्ट एरिया पार्ट में ही मिल रहा है, बाकी ओवरऑल हमें ये पूरा अच्छा खासा एक घेरे में मिल रहा है। इसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक्स आ रहा है, और समझ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है। और ये पूरा फ्लोर लेंथ कुर्ती ड्रेस है, कुर्ती अनारकली ड्रेस है, तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है।